गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम्स टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज हम इस उपविषय में स्तूपों के विषय में, स्तूपों की बनावट के विषय में, स्तूपों को कैसे बनाया गया उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें बताया गया है कि लगभग 200 ईसा वर्ष पहले महात्मा बुद्ध के समय पर अशोक जो स्तंभ का लुम्बिनी के अंदर महात्मा बुद्ध की याद में अशोक राजा के द्वारा लुम्बिनी में अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया था, और इसके अंदर महात्मा बुद्ध को एक तरह से उनकी प्रसिद्धि को विस्तार देना ही ये माना जाता है। स्तूप्स को आम तौर पर किसी बड़े टीले पर इनका निर्माण किया गया है, और महात्मा बुद्ध को एक भगवान की उपाधि देना भी इसमें शामिल रहा है। स्तूप के अंदर ज़्यादातर महात्मा बुद्ध के अवशेषों को उनके अंदर रखा जाता था और उन्हें बहुत ही सम्मान दिया जाता था। कुछ इस तरह की परंपराएं विकसित की गई थी। इसमें अशोक वदान नाम के ग्रंथ के अंदर जो बुद्धवादी जो विचारधारा है उसका उल्लेख उसमें किया गया है। इसमें राजा अशोक के द्वारा महात्मा बुद्ध के प्रति या महात्मा बुद्ध को किए गए सपोर्ट के बारे में पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाए गए धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए उसने किस किस तरह के नियम बनाए। इसमें बताया गया है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्तूपाज आर सांची, कि सांची के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो स्तूप हैं भरहूत में हैं, सारनाथ में हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपाज वाज लाइक ए डोम एंड हेमिस्फीयर, और एक गुंबद की आकृति में स्तूपों को बनाया जाता था। ऑन द टॉप ऑफ देयर वुड बी ए बालकनी कॉल्ड हार्मिक, और इसके बिल्कुल शिखर में जो उसका टॉप होता है वहाँ पर इसमें एक शिखर का निर्माण किया गया था, और वहाँ पर पवित्र चीज़ें वहाँ दफनाई गई हैं। दिस बालकनी रिप्रेजेंटेड द अबोड ऑफ गॉड, और इसे भगवान के स्थान के रूप में जाना जाता है या उसका यह प्रतिनिधित्व करता है। द हार्मिक वाज कवर्ड विद एन अम्ब्रेला, हार्मिक को एक छाते की आकृति की बनावट की स्थलाकृति से या एक निर्माण आकृति से उसे ढका गया है। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपाज वार मेड पॉसिबल बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी, और इसमें बताया गया है कि स्तूपों का निर्माण बहुत अधिक लोगों के योगदान की वजह से हो पाया होगा। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.